हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमन सिंघल। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। टुडेज टॉपिक वेदर रूल्स एंड बुल रूल्स। क्लास MSc कंप्यूटर साइंस सेकेंड सेमेस्टर, सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस, पेपर फाइव यूनिट फोर। तो आज हम पढ़ेंगे वेदर रूल्स और बुल्स रूल्स के बारे में, और हम यहाँ पर एक एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। वेदर रूल्स यहाँ पर हम फॉर्मूला यहाँ पर लिखे हुए हैं। इंटीग्रेशन एक्स जीरो टू एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 3 × h/10 इंटू वाई जीरो प्लस 5y1 प्लस वाई जीरो वाई टू प्लस 6y3 प्लस वाई फोर प्लस 5y5 प्लस 2y6 प्लस 5y7 प्लस y8 प्लस --। यहाँ पर हम वेदर रूल्स का एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to 6 dy/dx/1 प्लस x² बाई यूजिंग वेदर रूल्स। तो यहाँ पर हम यहाँ क्वेश्चन पर यहाँ पर टेबल दिया गया है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड द इंटरवल 0 to 6। हमारा इंटरवल क्या दिया गया है, 0 to 6 यहाँ पर दिया गया है, इंटू 6 parts ईच ऑफ विथ h = 1। तो h = 1 कहाँ से आया, हम यहाँ पर दो जो वैल्यू है उसके बीच कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, h = 1। द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस x² आर गिवन बिलो। यहाँ पर हम टेबल यहाँ पर लिए हैं जो क्वेश्चन पे जो दिया गया है। यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स को हम ले रहे हैं y, और जो x में यहाँ पर हम जो जीरो जो जो है उसको हम x0, x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6। यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स को क्या ले रहे हैं, वाई ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6। यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम वेडर्स रूल्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर हम फॉर्मूला यहाँ लगाए हैं, इंटीग्रेशन 0 to 6 dx/1 प्लस x² इक्वल टू 3 × h/10 इंटू वाई जीरो प्लस 5y1 प्लस y2 प्लस 6 × y3 प्लस y4 प्लस 5y5 प्लस y6। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम h की वैल्यू यहाँ पर क्या रख रहे हैं, 1 रखेंगे। तो और यहाँ पर हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 0.3। y0 की वैल्यू जो है यहाँ पर 1 है, प्लस 5 × y1 क्या है 0.5 प्लस y2 0.2 प्लस 6 × 0.1 प्लस y4 के हमारा 0.0588 प्लस 5 × हमारा यहाँ पर 5 का वैल्यू है y5 का 0.0385 प्लस y6 का वैल्यू क्या है 0.027। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.3735। तो ये हमारा वेदर रूल से हम यहाँ पर ये इक्वेशन निकाले हुए हैं, इसको सॉल्व किए गए हैं। हम अब यहाँ पर बुल्स रूल्स पढ़ेंगे। तो बुल्स रूल्स का यहाँ पर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। इन मैथमेटिक्स बुल्स रूल्स नेम्ड आफ्टर रूल नेम्ड आफ्टर जॉर्ज बुल इज अ मेथड ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इट अप्रोक्सीमेट एंड इंटीग्रल इंटीग्रल जीरो एक्स जीरो टू एक्स एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ वाई एट 5 इक्वली स्पेस पॉइंट्स ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x0 x1 = x0 + h x2 = x1 + h और x3 = x2
एच एक्स फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स थ्री प्लस एच, वेयर एच इज़ अ इंटरवल गैप। तो यहाँ पर हम बूल्स रूल्स का फॉर्मूला लिए हैं, आई इक्वल टू टू अपॉन 45 इंटू एच इंटू 7y0 प्लस 32y1 प्लस 12y2 प्लस 32y3 प्लस 7y4। यहाँ पर हम इसके इक्वेशन सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व बाय बूल्स रूल्स इंटीग्रेशन 0.2 से लेके कहाँ तक गया है, 0.6 dx अपॉन 1 + x² करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस गिवन एन इक्वल टू 4। हमको यहाँ पर क्या लेके आना है, 3 डेसिमल प्लेस तक लेके आना है। तो हमको क्या क्या दिया गया है यहाँ पर सॉल्व करेंगे। गिवन लोअर लिमिट हमारा क्या है, 0.2, और अपर लिमिट है हमारा 0.6। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंटरवल्स क्या यहाँ पर दिया हुआ है, एन इक्वल टू 4। और नाउ फाइंडिंग इंटरवल गैप्स, यहाँ एच इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन नंबर ऑफ इंटरवल्स। यहाँ पर अपर लिमिट हमारा है 0.6 माइनस लोअर लिमिट है 0.2 अपॉन 4। तो हमारा एच का वैल्यू निकल जाएगा 0.1। यहाँ पर क्या है, नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट टू टेबल अ टेबल। यहाँ पर हम टेबल यहाँ फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम जो यहाँ पर क्या दिया गया है, इंटरवल क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, और यहाँ पर हमारा एच का वैल्यू क्या है, 0.1 दिया गया है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2 है। इस दोनों वैल्यू से हम अपना एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ ले रहे हैं 0 to 0.6 से, तो यहाँ पर हम 0 to 0.2, 0.2 की जो वैल्यू जो है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमको यहाँ पर क्वेश्चन पर दिया गया है, तो 1 अपॉन 1 + x² एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या रख रहे हैं, 0.2। तो हमारी ये वैल्यू निकल जाएगा। वाई यहाँ पर हम 0.3 यहाँ पर हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा 0.3 लेने से हमारा ये निकल जाएगा, y2 निकल जाएगा। और यहाँ पर हम 0.4 लेंगे तो हमारा y2 निकलेगा, और 0.5 रखेंगे तो y3, और 0.6 रखेंगे तो y4 आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर h इक्वल टू 0.1, तो हम ये 0.1 जो कि क्या है डिफरेंस में हमारा ये होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये टेबल बन गया। तो यहाँ पर हम बाय यूजिंग बूल्स रूल्स आई इक्वल टू 2 × h/45 × 7y0 + 32y1 + 12y2 + 32y3 + 7y4। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू हमारा यहाँ पर है 0.1, यहाँ तो 2 × 0.1 / 45। तो यहाँ पर हम इंटू करेंगे तो 7 × y0, वाई जीरो की वैल्यू क्या है, 0.9615 प्लस 32y1, वाई वन की वैल्यू है 0.9174 प्लस 12 × y2, वाई टू क्या है हमारा 0.8620 प्लस 32 × y3 का वैल्यू है 0.80 प्लस 7 × y4 की वैल्यू है 0.7352। जब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, 0.3430। सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन 0.2 से
0.6 वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 0.3430। ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा 3 डेसिमल प्लेस यहाँ पर हमारा आ गया, ये हमारा आंसर है। यहाँ से हम ये बूल्स रूल्स यूज़ करके हम यहाँ पर ये आंसर क्या आया है। यहाँ रेफरेंस बुक जो है गैरेवल न्यूमेरिकल मेथड्स आर एच न्यूमेरिकल मेथड्स ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, यहाँ पर हम एच के पाठक का बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस। थैंक यू।